अयोध्या में जब से प्रभु राम अपने भव्य महल में विराजमान हुए हैं, तब से लाखों की संख्या में राम भक्त धर्म नगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं। जाति पंथ मजहब को छोड़कर प्रभु राम की भक्ति में लीन हर कोई अयोध्या पहुंचकर जय श्री राम का जयघोष करता नजर आ रहा है। हिंदू से लेकर मुसलमान तक सब कोई राम की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। ऐसे ही एक राम भक्तों का मुस्लिम समूह 30 जनवरी को धर्म नगरी अयोध्या पहुंचकर प्रभु राम का दर्शन पूजन करेगा। 25 जनवरी से राजधानी लखनऊ से पद यात्रा करते हुए लगभग 5 दर्जन मुस्लिम राम भक्त अयोध्या आ रहे हैं, जो 30 जनवरी को सुबह रामलला का आशीर्वाद लेकर भगवान रामलला से देश और दुनिया के लिए अमन चैन का आशीर्वाद लेंगे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेतृत्व में मुस्लिम समाज के 5 दर्जन राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं, जो रास्ते में सीता रसोई का आयोजन भी कर रहे हैं। इस दरमियान वह प्रतिदिन 25 किलोमीटर की यात्रा पूरी करते हैं और भगवान की भक्ति में के साथ साथ गरीब और असहाय लोगों को भोजन भी करा रहे हैं। लाखों की तादाद में मुसलमान अयोध्या पहुंच रहा है और हम लोगों को एक बड़ी खुशी की बात है कि 500 साल के बाद राम जी विराजे हैं और हम लोग भी अपने लखीमपुर खीरी से चलकर पैदल यात्रा में 25 किलोमीटर प्रतिदिन चलकर अयोध्या की जा रहे हैं श्री प्रभु जी के दर्शन करने के लिए। पहला पड़ाव वाराबंकी था, दूसरा पड़ाव बेलसर था, तीसरा पड़ाव हमारा कुटवा सड़क था, चौथा पड़ाव हमारा सोहावल है। कल आज हम रात में हम लोग विश्राम सोहावल करेंगे, कल फिर पैदल यात्रा निकलेंगे अयोध्या के लिए। 29 तारीख की शाम को हम लोग अयोध्या पहुँचेंगे। देखिए, हम लोग एक प्यार मोहब्बत का पैगाम लेकर जा रहे हैं, भाईचारा आपस में बना रहे, मुल्क हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब कायम रहे, उस चीज़ को हम लोग लेकर एक पैगाम जा रहे हैं कि भाईचारा का एक संदेश जाएगा। हम लोग जब अयोध्या पहुंचेंगे तो एक और मुसलमान हमारे सोचेंगे कि एक हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम मज़हब एक भाईचारा का पैगाम लेकर उभरेगा कि हम मुसलमान और हिंदू एक होंगे, एक हिंदुस्तान का नया निर्माण होगा। लेकिन उनसे यही कहेंगे कि आपस में चाहे हिंदू मुस्लिम का हो या शरणार्थी भाई हो, आपस में ऐसा कोई विवाद ना फैलाएं या ऐसी कोई टीका टिप्पणी ना करें जिससे हमारा आपस में प्यार जो है उसमें खलल पड़े। हम तो ये चाहेंगे एक हमारे भाईचारे का संदेश जाए, भाईचारा कायम रहे, गंगा जमनी तहजीब हिंदुस्तान की कायम रहे, जो अन्य मुल्कों में लोग आज नाम लेते हैं हिंदुस्तान का कि गंगा जमनी तहजीब हिंदुस्तान से झलकती है। तो शेर अली खान, हम यही उद्देश्य देना चाहते हैं दुनिया को कि जो है भाईचारा बनाए रखें, क्योंकि जो इधर उधर की बातें मत ध्यान दें। और हम जा रहे हैं अयोध्या प्रभु के दर्शन करने, हम उनको नबी मानते हैं, क्योंकि जो है हमारे जो माता पिता हैं उन्होंने हमको समझाया, क्योंकि जो इधर उधर की बातें ना बच्चों को ज़्यादा ही भरी जाती हैं कि आगे चल के बिगड़ जाएँ, लेकिन हमारे माता पिता जो हैं उन्होंने हमको बताया कि जो है ऐसा नहीं होता है, सब एकता बनाए रखें। तो हम वहाँ जाएंगे और उनके दर्शन करेंगे और यही मन्नत मांगेंगे कि देश में जो है अमन शांति बनी रहे और जो है भाईचारा बना रहे। जी नारा लगा रहे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जी हमारे साथ में जो है भगवा जो है झंडा भी है और जो है बहुत अच्छा लगता है कि भगवा झंडा भी साथ में है और जो है अच्छा लगता है। मेरा नाम सनी खान है।